नमस्कार दोस्तों, डीके थ्री होम डिज़ाइन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आप जानते हैं मेरा नाम डीके लोनकर है और मैं इस चैनल पर नए नए प्लान्स और नए नए डिजाइन लाते रहता हूँ। तो आज भी आपके लिए एक छोटा सा प्लान लाया हूँ जिसका डिटेल मैं आपको समझाने वाला हूँ। इससे पहले ये स्क्रीन पर जो देख रहे हैं हमारे ऑफिस के नंबर है, अगर आपको प्लान की या डिज़ाइन की ज़रूरत है तो इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, और हमारी क्या फ़ीस होती है, क्या प्रोसेस होती है, उसकी आप डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसे एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में जो बेल का आइकन है वह भी दबाइए ताकि हम जो भी नया वीडियो अपलोड करते हैं वह आप तक पहुँच जाए। तो देखिए, स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये वो प्लान है जो आज हमने आपके लिए लाया है। 1250 स्क्वायर फुट का पूरा प्लॉट का एरिया है, मतलब 1250 स्क्वायर फुट का पूरा प्लॉट का एरिया है, जिसमें देखेंगे तो 3 बेडरूम, 1 लिविंग रूम, 1 किचन और पार्किंग का एरिया भी हमने एडजस्ट किया है और छोटा सा गार्डनिंग का एरिया भी एडजस्ट किया है। तो देखिए, देखते समझते हैं यह प्लान। देखिए, ये जो है इस साइड में रोड है और इस साइड में भी रोड है, मतलब यह कॉर्नर प्लॉट है। और ये जो है इस साइड में दूसरी की जगह है, पीछे भी दूसरी की जगह है, लेकिन इस साइड में देखेंगे तो पीछे की साइड में हमने एक ओपन डक्ट रखा है ताकि इस बेडरूम को वेंटिलेशन मिले। तो देखिए, जो रोड से हम ये जो है यह मेन रोड है हमारा, इस मेन रोड से हम जैसे ही एंट्री कर रहे हैं तो हमें पार्किंग का एरिया मिल रहा है। यहाँ पे कार पार्किंग का एरिया मिल रहा है, लगभग 14 फीट यहाँ से यहाँ तक है, उसके बाद में 3 फीट भी यहाँ से हमें मिलेगा। और हमारे स्टेयर जो है इस यहाँ से स्टार्ट होगी तो हम यू टर्न करके हम फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच जाएंगे। मतलब रेंट के हिसाब से भी यह स्टेयर केस काफ़ी यूज़फुल है और यह कार जो है लगभग यहाँ तक पार्क हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे 4 फीट का ऑफसेट छोड़ा गया है, छोटा सा गार्डन वगैरह, छोटा सा लॉन वगैरह हम बना सकते हैं। और उसके बाद में देखेंगे तो देखिए, हम वरांडे पर पहुँचने के बाद हम लिविंग रूम में एंट्री करते हैं। तो लिविंग रूम का साइज़ जो है 11 फीट बाय 14 फीट का है, 11 फीट 4 इंच बाय 14 फीट का, मतलब लगभग 11 फीट बाय 14 फीट का इस लिविंग रूम का साइज़ है। और यहाँ पे एक बड़ा सा हम विंडो हम दे सकते हैं ताकि वेंटिलेशन यहाँ पे मिले। और यहाँ पे भी एक छोटा सा विंडो अगर आप चाहे तो हम आप लगा सकते हैं, यहाँ से भी आपको वेंटिलेशन मिलेगा। और उसके बाद में देखेंगे तो हम यहाँ पे आ रहे हैं, देखिए किचन में एंट्री कर सकते हैं। किचन का साइज़ जो है 11 फीट 9 इंच बाय 10 फीट का है, मतलब लगभग 12.5 बाय 10 का इस किचन का साइज़ है। लेकिन इसमें देखेंगे तो एक डोर, एक जगह जो है पैसे जो है यहाँ से हमने इस साइड में पीछे जाने के लिए रखा है। और यहाँ पे एक वॉश एरिया रखा है, देखिए 3 फीट बाय 8 फीट 4 इंच का इस वॉश एरिया है, तो इस किचन से हम ये वॉश एरिया यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है ओपन डक्ट रखा है, मतलब यहाँ पे हम स्लैब नहीं डालते, यहाँ पे ओपन डक्ट रखने की वजह से देखेंगे तो इस बेडरूम को वेंटिलेशन मिलेगा। उसके बाद में हम यहाँ पे बेडरूम में एंट्री करेंगे। देखिए, बेडरूम का साइज़ जो है 11 फीट 5 इंच बाय 11 फीट का है, मतलब 11.5 बाय 11 का इस बेडरूम का साइज़ है, तो काफ़ी बढ़िया साइज़ है। और उसको एक यहाँ पे विंडो दिया गया है। उसके बाद में देखेंगे तो हम टॉयलेट बाथरूम के एरिया में पहुँच रहे हैं। देखिए, यहाँ पे टॉयलेट है, यहाँ पे बाथरूम है, 3 फीट 8 इंच बाय 7 फीट का इस बाथरूम का साइज़ है और 3 फीट बाय 4 फीट का इस टॉयलेट का साइज़ है। इसको देखेंगे तो पीछे विंडो दिए, वेंटिलेटर दिए गए हैं ताकि इस यहाँ से और यहाँ से वेंटिलेशन मिले। उसके बाद में देखेंगे तो देखिए, यहाँ पे दूसरा बेडरूम है हमारा 11 फीट बाय 11 फीट 5 इंच का, मतलब 11 फीट बाय 11.5 फीट का इस बेडरूम का साइज़ है। और उसको एक पीछे एक डोर दिया गया है और विंडो दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे हमने ओपन डक्ट रखा है, मतलब ओपन टू स्काई रखा है, तो यहाँ से हमें इस बेडरूम को वेंटिलेशन मिलेगा और यह जो पैसेज है यहाँ से यूज़ होगा इस डोर से, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट में देखेंगे तो यह मास्टर बेडरूम है हमारा, 11 फीट 9 इंच, मतलब लगभग 11.5 बाय 12 का इस मास्टर बेडरूम का साइज़ है। और इसमें देखेंगे तो देखिए, एक अटैच टॉयलेट बाथरूम दिया गया है 3 फीट 6 इंच बाय 7 फीट का, मतलब 3.5 बाय 7 का इस अटैच टॉयलेट बाथरूम दिया गया है। इसको देखेंगे तो मास्टर बेडरूम को एक यहाँ पे एक बड़ा सा हम विंडो रख सकते हैं ताकि यहाँ से हमें वेंटिलेशन मिले। और यहाँ पे भी हमने ओपन डक्ट रखा है, तो यहाँ पे अगर आप चाहे तो एक छोटा सा विंडो आप रख सकते हैं, इससे भी यहाँ पे से वेंटिलेशन मिलेगा। तो इस टाइप में 1250 स्क्वायर फुट, मतलब 1250 स्क्वायर फुट का पूरा प्लॉट का एरिया था, जिसमें 3 बेडरूम और लिविंग रूम और किचन एडजस्ट किया गया है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह डिटेल में समझ में आया है और पसंद भी आया है। अगर आपको यह प्लान पसंद आता है या नहीं भी आता है तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि सबका चॉइस अलग होता है, सबका रिक्वायरमेंट अलग होता है, हो सकता है यह प्लान किसी न किसी के कुछ ना कुछ काम आए। तो प्लीज़ किसी और के लिए हमारा हर वीडियो आप शेयर करने की कोशिश करें। और फिर से कह रहा हूँ कि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जैसे एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में बेल का आइकन है वह दबाना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि वह आप दबाएंगे तभी आप तक हमारा वीडियो पहुँच जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपने जो आपका कीमती समय दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत